एक्सरसाइज 1 भी वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है, जिसमें हमने देखा कि हम जो नंबर्स हैं उनको एस्टिमेट करके कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ना हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1E, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10। क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। सबसे पहले हम 38 को नियरेस्ट 10 करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। 38 एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 करने के लिए पहले आप 38 की यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट है आपकी यहाँ पे 8। 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 5 से ग्रेटर है, तो अगर 5 से ग्रेटर है तो जो आपका 10th नंबर है उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी 0। जो आपका 10th प्लेस पे नंबर कौन सा है, 3। 3 में आप कर देंगे प्लस 1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 40। 63 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। 63 को हमें नियरेस्ट 10 करना है। यूनिट डिजिट है आपकी 3। 3 इज लेस देन 5। 3 5 से छोटी है, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 0। एंड जो आपके 10th प्लेस में, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे प्लस 1, आप सिर्फ जो, क्योंकि ये लेस है 5 से, इसलिए आप क्या करेंगे, 6 को एज इट इज रख देंगे। तो फर्स्ट नंबर आया हमारा 40 एंड सेकेंड 60। अब आपको क्या करना है, 40 × 60। तो देखिए जब भी हम पीछे 0 होते हैं तो उसको एज इट इज लगा देते हैं, तो 4 × 6, 4 × 6 = 24। जब आप 4 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 24 आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 24 एंड 1 और 2 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 20। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 28 का एस्टिमेट निकालना हमें। सो 28 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। यूनिट डिजिट है आपकी 8। 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 5 से बड़ी है, तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। एंड जो आपका 10th प्लेस पे जो नंबर है उसमें आप क्या कर देंगे, प्लस 1। सो 2 + 1 = 3। तो ये आपका हो गया नियरेस्ट 30। 63 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। इसको आपको नियरेस्ट 10 करना है। सो 63 में यूनिट डिजिट 3 है, 3 इज लेस देन 5, तो आपका यूनिट डिजिट 0। एंड जो 10th प्लेस है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। प्रोडक्ट करेंगे 30 × 60। 3 × 6 = 18। 3 × 6 = 18 एंड 1 और 2 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया 1800। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसमें भी आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 करके प्रोडक्ट परफॉर्म करें। सो 64 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 करने के लिए यूनिट डिजिट है आपकी 4। 4 इज लेस देन 5। 4 5 से छोटा है, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाएगा और जो 10th प्लेस है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 60। 58 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। 58 में यूनिट डिजिट आपकी 8 है। 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 5 से ग्रेटर है, सो आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और जो 10th प्लेस पर नंबर है वो आप उसमें आप प्लस 1 कर देंगे, तो 5 + 1 = 6। अब हमें प्रोडक्ट करना है 60 × 60। 6 × 6 = 36 एंड 1 और 2 = 0। तो आपका आंसर आ गया 3600। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। आपको हर नंबर को नियरेस्ट 100 करना है एंड देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट नंबर को हम नियरेस्ट 100 करेंगे, 376 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करने के लिए हम देखते हैं जो टेंथ प्लेस पे नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5। तो टेंथ प्लेस पे आपका नंबर है 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, तो आपका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, टेंथ डिजिट 0 रहेगा। अब ये 7 इज ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पे आपका जो 100 नंबर पे 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें आप प्लस 1 कर देंगे, सो 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 400। 123 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, 123 को आपको करना है नियरेस्ट 100। तो जो आपका टेंथ प्लेस पे जो नंबर है वो 2 इज लेस देन 5, तो आपका यूनिट डिजिट 0, टेंथ डिजिट 0 एंड जो 100 पे प्लेस है वो एज इट इज रहेगा, 100 प्लेस पे जो डिजिट है एज इट इज, सो 400 × 100। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 × 1 = 4 एंड लास्ट 0 लगा देंगे, 2 0 एंड 2 0 = 4 0, तो ये आपका आंसर आ गया 40,000। नाउ नेक्स्ट नियरेस्ट 100 करना है इसको भी आपको, तो 423 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करने के लिए जो आपका टेंथ प्लेस पे नंबर है वो है 2 इज लेस देन 5, तो आपका यूनिट डिजिट 0, टेंथ डिजिट 0 एंड जो आपका 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें आप एज इट इज रखेंगे, तो ये आ गया आपका 400। 158 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, टेंथ प्लेस पे नंबर है आपका 5 इज इक्वल टू 5, सो टेंथ डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, 1 और 10 डिजिट 0 एंड जो 100 पे नंबर है उसमें आप प्लस 1 कर देंगे, 100 में नंबर है आपका 1 1 + 1 = 2, तो आपका आंसर है 400 × 200 परफॉर्म करना है, 4 × 2 = 8, लास्ट में आप 40 लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको 100 के नियरेस्ट करना है, सो 392 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, टेंथ प्लेस पे जो नंबर है वो है 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 5 से बड़ा होता है, सो टेंस वंस एंड टेंस प्लेस 0, जो आपका 100 पे नंबर है 100 पे डिजिट है वो प्लस 1 हो जाएगा, तो 100 पे आपका डिजिट है 3 3 + 1 = 4, सो ये नियरेस्ट हो गया 100। नाउ नेक्स्ट 138 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, टेंथ प्लेस पे जो नंबर है आपका 3 है, 3 इज लेस देन 5, तो यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट 0 एंड जो रिमेनिंग 100 पे जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 × 100, तो आपका आंसर आएगा 40,000 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 271 × 339, 271 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करने के लिए आपका जो टेंथ प्लेस पे नंबर है वो है 7 है ग्रेटर देन 5, तो यूनिट डिजिट 0, टेंथ डिजिट 0 एंड जो 100 पे प्लेस पे जो नंबर है उसको आप प्लस 1 कर देंगे, 2 + 1 = 3, तो ये हो गया 300। नाउ नेक्स्ट नंबर 339 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100,
339 में जो टेंथ प्लेस पर नंबर है वो है 3, 3 इज लेस देन 5, सो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0, टेंथ डिजिट 0 एंड जो 100 प्लेस पर नंबर है वो एज इट इज आएगा 300 into 300, 3 into 3 9 और 40, तो ये आपका आ गया 90,000 इसका आंसर। Now next question, estimate each of the following products by rounding off the first number upwards and the second number downwards. First number को तो आपको upward करना है and second number को आपको downwards करना है. First number upward का meaning है कि आपका जो number है उसकी, अब देखिए 183 आपका कहाँ आता है और ये देखिए nearest किसके करना है आपको, नियरेस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, नियरेस्ट के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपके यहाँ पे आपके कितने नंबर्स हैं, 1, 10 एंड 100, 3 नंबर है 100 तक, तो अगर 100 तक नंबर है तो आप उसको 10 के नियरेस्ट नहीं करेंगे, किसके नियरेस्ट करेंगे 100 के। सो देखिए इसको जब हम अपवर्ड करेंगे 183 एस्टिमेटेड अपवर्ड, जब आप इसको अपवर्ड करेंगे सो 183 जो यूनिट डिजिट है उसको ज़ीरो लिखेंगे, टेंथ डिजिट को भी ज़ीरो लिखेंगे और जो लास्ट नंबर है आपका 100 पे उसमें प्लस वन कर देंगे, सो आपका 200 आ जाएगा। एंड 154 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स के लिए क्या करना है आपको, 1 से 10 नंबर पे आप ज़ीरो लिख देंगे और जो फर्स्ट नंबर है उसको एज, जो 100 पे नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैं 200 into 100, 2 into 1 2, अगेन 40, तो आपका आंसर आ गया 20,000। नेक्स्ट देखिए आप 359.76, 359 एस्टिमेटेड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स करना है यूनिट डिजिट 0, टेंथ डिजिट 0 और जो आपका 100 प्लेस पे डिजिट है उसमें आप क्या कर देंगे प्लस 1, तो ये हो गया आपका 476 को एस्टिमेट करना है आपको डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स के लिए क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और जो लास्ट नंबर है उसको आपको एज इट इज रखना है, तो ये हो गया 7, तो आपको क्या हो जाएगा 400 into 70, 4 7 28 0 0, तो ये आपका आंसर आ गया 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 472 into 158, 472 एस्टिमेटेड टू अपवर्ड्स, अपवर्ड्स के लिए क्या करना है आपको 0 0, जो 100 प्लेस पे नंबर है उसमें प्लस वन करिए, 4 + 1 = 5, 158 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स करना है तो यूनिट ऑफ 10 डिजिट 0 एंड जो 100 पे प्लेस है वो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगा, 100 प्लेस पे आपका 1 तो 1 को आप एज इट इज लिख देंगे, तो 500 into 100 आपका आंसर आएगा 50,000। नेक्स्ट 255 into 350 एस्टिमेटेड टू अपवर्ड्स, अपवर्ड्स जब इसको करेंगे तो यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट 0, जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको मैं आप प्लस 1 कर देंगे, तो 2 + 1 = 300, नाउ 350 एस्टिमेटेड टू डाउनवर्ड्स, जब इसको आप डाउनवर्ड्स करेंगे तो यूनिट डिजिट 0, टेंथ डिजिट 0, 100 पे जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखेंगे, तो 300 into 300 करना है आपको, 3 3 = 9 एंड रिमेनिंग 0 आप एज इट इज लिखा देंगे, तो आपका आंसर आएगा 90,000।